बात आज की एक और बड़ी स्टोरी की, क्योंकि यह स्टोरी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आखिर अमृतपाल के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं और चिंता बढ़ाने वाली हैं। क्यों? आईएसआई का खालिस्तानी जाल, चेहरा है अमृतपाल। आपको अमृतपाल के बारे में अब ऐसी जानकारियां देंगे जिससे आप हैरान रह जाएंगे। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर पंजाब में 4 दिनों से ऑपरेशन जारी है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन चला रखा है। अमृतपाल के कई करीबी पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। वारिस पंजाब दे संगठन चलाने वाले अमृतपाल के बारे में जानकारी है कि वो एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा था। उसने पंजाब को आग में झोंकने की तैयारी कर ली थी। खुफिया और सिक्योरिटी एजेंसियों के इनपुट के आधार पर अमृतपाल के मंसूबों को लेकर एक डॉजियर तैयार किया गया है। डॉजियर में अमृतपाल को लेकर क्या बड़ी बातें हैं, पहले इन्हें एक एक करके देखते हैं और फिर इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, खुफिया रिपोर्ट में अमृतपाल पर एक बड़ा खुलासा किया गया है। मानव बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था अमृतपाल। आत्मघाती दस्ते को खाड़कू नाम दिया गया था। नशा मुक्ति केंद्रों में युवाओं का ब्रेन वॉश होता था। आईएसआई और आतंकी संगठनों से जुड़ा था अमृतपाल। ड्रग्स के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था अमृतपाल सिंह। नशा मुक्ति केंद्र का इस्तेमाल ड्रग्स कारोबार के लिए किया। नशा मुक्ति केंद्रों में हथियार जमा किए गए थे। तो अमृतपाल की तैयारी बहुत खतरनाक थी। वो सुसाइड बॉम्बर तैयार करना चाहता था। वो आतंकियों का एक संगठन खड़ा करने की तैयारी में लगा था। अमृतपाल ने इन मंसूबों को लेकर पूरी प्लानिंग कर ली थी। आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में अमृतपाल सिंह ने पंजाब को दहलाने की साजिश रची थी। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर आत्मघाती हमलावर तैयार कर रहा था। वो आईएसआई के इशारे पर आतंकियों की फौज तैयार करने में लगा था। अमृतपाल आईएसआई की मदद से जल्लूखेड़ा गांव में आनंदपुर खालसा फोर्स यानी AKF बना रहा था। पुलिस को अमृतपाल के घर से AKF लिखी कई जैकेट्स मिली है। अमृतपाल के साथियों से बरामद हथियारों पर भी AKF लिखा मिला है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती होने वाले युवकों को बहला फुसलाकर हिंसा के रास्ते पर धकेला जाता था। इसके लिए नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवाओं को पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे और आतंकी दिलावर सिंह के किस्से सुनाए जाते थे। दिलावर सिंह ने मानव बम के रूप में काम किया और पंजाब के बेअंत सिंह की हत्या कर दी थी। अमृतपाल के प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI से जुड़े होने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस को लगता है कि अमृतपाल बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हैंडलर है। 1980 में बना BKI भारत और इंग्लैंड में आतंकी संगठन घोषित है। अमृतपाल के अमेरिका स्थित प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ से भी रिश्ते रहे हैं। SFJ खुलकर खालिस्तान का समर्थन करता है और लगातार भारत विरोधी बातें करता है।